देखिए, भारत का दुर्भाग्य यही नहीं है कि हमारे बगल में पाकिस्तान है और पाकिस्तान हमें बर्बाद करने में लगा हुआ है। हमारे देश के अंदर ही 70 साल से ऐसे सांप पल रहे हैं जो अंदर से अंदर हमारे को खोखला कर रहे हैं। मोदी से इतनी नफरत हो गई है कि हिंदुस्तान से नफरत के कगार पे पहुंचे हुए। देखिए, 1914 अगस्त 19, बार बार कहता हूँ, 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? देश का बंटवारा हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि टू नेशन थ्योरी के आधार पे जिन्ना की जो थ्योरी थी, वो जिसको मैं पिछली सदी का एक जिन मानता हूँ, शैतानी ताकत थी, उसने सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं बांटा, उसने मानवता का बंटवारा किया, कत्लेआम हुआ। किस आधार पे? कि हिंदू और मुसलमान ठीक नहीं इकट्ठे नहीं रह सकते, तो पाकिस्तान बना मुसलमानों के लिए। 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने अपनी मादर वतन के साथ गद्दारी की, जिन्ना का समर्थन किया, पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान चले गए। अगर उनके साथ आज उनका भेदभाव हो रहा अभी है, देखिए क्या है कार्मिक थ्योरी, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, यूपी और बिहार के मुसलमान थे ज्यादा, उन्होंने वहां जाके अभी भी उनको मुहाजिर बोलते हैं, उर्दू स्पीकिंग मुहाजिर बोलते हैं, तीसरे दर्जे के पाकिस्तान की बात ही क्यों करते हो? तीसरे दर्जे के लोग है वहाँ पे, तीसरे दर्जे के लोग है वहाँ पे। लेकिन जो लोग हिंदुस्तान के अंदर है, जो अपने, जो हमारा, मेरा हवालदार अब्दुल हमीद, उसको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मेरे प्रेसिडेंट डॉक्टर कलाम को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मेरा लेफ्टिनेंट फयाज जो देश के लिए मरता है, उसको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग हिंदू और सिख, जिनको हमने पाकिस्तान में छोड़ा, उनको पूछा नहीं था तत्कालीन कांग्रेस ने कि हिंदुस्तान का बंटवारा होगा, आप पाकिस्तान में रहोगे, हिंदुस्तान में रहोगे, वो गरीब थे, मेरे आपकी तरह थे, वो लोग बॉर्डर तक नहीं पहुंच पाए। जो लोग पहुंचे, उनको अभी तक पिछले 70 साल से अगस्त 5 तक जम्मू के अंदर हिंदू और जो सिख आए थे, उनको भारतीय नागरिकता नहीं मिली थी, अभी तक जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं मिल रही थी। ये उनके साथ हमारा रवैया है। और जो लोग वहां पे रह गए, वहां पे लड़की पैदा होती है हिंदू परिवार में, लोग दहशत करते हैं कि उठा के ले जाएंगे वहां पे। अभी यहां पे ननकाना साहब के ग्रंथी की बेटी को उठा के ले गए, बोले इसे धर्म परिवर्तन किया। दुनिया भर में दोबारा बोलता हूं, ये देश अगर 130 करोड़ हिंदुस्तानी को आज है, प्लीज उनमें ऐड कर लीजिए, उनमें जोड़ दीजिए वो हिंदू और सिख जो हमने विभाजन के वक्त पाकिस्तान के अंदर छोड़ दिए, बेरहमी के साथ छोड़ दिए, पाकिस्तानी दरिंदों के हवाले छोड़ दिया। 19% थी हिंदुओं की जनसंख्या हिंदू और सिखों की पश्चिमी पाकिस्तान में, आज 1.5% है। कहां गए लोग? वो पूछने के लिए कांग्रेस जो सरकार है अभी पार्लियामेंट के अंदर, जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनको पूछो कहां गए वो हिंदू और सिख। बांग्लादेश के अंदर 20% हिंदू थे वहां पे, और वहां पे बांग्लादेश में बौद्ध थे, वहां पे चकमा लोग जो बौद्ध है वहां पे वो लोग थे। आज उनकी कितनी है? 8 या 9% रह गए। कोई पूछना चाहता है कहां पे इन कमीने लोग? जब रोहिंग्या की बात होती है, तो मुंबई के आजाद मैदान में हमारी जो जवान ज्योति को तोड़ दिया, जवान ज्योति को तोड़ दिया, क्योंकि दूर किसी मुल्क के अंदर रोहिंग्या जो अलगाववादी है, अपने मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उनके साथ वहां पे कुछ, उनके पास, उनके साथ सरकार ने वही व्यवहार किया जो उनके साथ होना चाहिए उस मुल्क के अंदर, तो उनके लिए आंखें रो पड़ती हैं, उनकी, उनका दिल टूटता है। लेकिन हिंदू और सिखों के लिए जितना इस भारत माता के ऊपर मेरा अधिकार है, आप 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का है, उतना ही अधिकार दुनिया में कहीं पे भी हिंदू और सिख है, जिसके साथ प्रोसिक्यूशन हो रहा है वो हिंदुस्तान, उसकी मातृभूमि है, उसको यहाँ पे आना चाहिए, चाहे ये कुछ भी बोले। यही कारण है कि कश्मीर के अंदर हिंदुओं के साथ जो नसेनार हुआ, यही आवाजें बंद, पिछले 30 साल से इनकी अंतरात्मा मरी पड़ी है। ये लोग दोगले हैं। मैं बार बार कहता हूँ, हिंदुस्तान को अगर जिंदा रखना है तो हिंदुस्तान की हजारों साल की संस्कृति को दोबारा कायम रखना पड़ेगा। उससे ऊपर कोई हमारे यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कोई सेक्युलरिज्म नहीं। हम डेमोक्रेट इसलिए नहीं कि 15 अगस्त को अपने कॉन्स्टिट्यूशन का नाम लिया हमारे यहाँ पे। हम सदियों से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, पारसी आए यहाँ पे, यहूदी आए यहाँ पे, हिंदुस्तान के अंदर आज भी जिस किसी मुसलमान मुल्क पे, जहाँ पे अफगानिस्तान हो, सीरिया हो, फलस्तीन हो, वहां के स्टूडेंट्स, वहां के लोग यहाँ रहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान अतिथि देव बाबा, वो लोग यहाँ पे रहते हैं, किसी के साथ कोई गैर नहीं है। और हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्यों तकलीफ होगी भाई? हम वहां से बाहर हिंदू और सिखों को यहाँ पे बुलाना चाहते हैं, उनको इज्जत देना चाहते हैं, उनको लोकल लोगों को क्यों तकलीफ होनी चाहिए? तकलीफ उनको हो रही है जिन्होंने विभाजन करवाया, जिन्होंने उन हिंदू और सिखों को वहां पे छोड़ दिया, उनको तकलीफ हो रही है। मैं समझता हूँ इसका जो प्रक्रिया हुई है, जो आपने देखा, ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं, ये 130 करोड़ जनता आप लोग करवा रहे हैं उनसे।
आप लोगों ने उनको एक पॉलिटिकल ताकत दे रखी है, नहीं तो ये 70 साल से सब क्यों चुपके रहे थे। जो भी उस कुर्सी पे आके बैठ जाता था सबके सब जवाहरलाल नेहरू बन जाते थे। ये पहली बार हुआ क्योंकि आप लोगों ने वोट दिया। किस लिए दिया? क्योंकि हमें हिंदुस्तान में रिसर्जेंस करनी है। जब हिंदुस्तान की संस्कृति का बहाल होगा तभी हिंदुस्तान तरक्की करेगा। आप लोगों में जात पात नहीं रहेगी हमारी। इस बार वोट जात के लिए नहीं पड़ा था, नौकरी के लिए नहीं पड़ा था, किसान के लिए नहीं पड़ा था, राष्ट्रहित के लिए पड़ा था। वो राष्ट्रहित क्या ना 100 दिन के अंदर कर दिया। और आप लोगों से अपील करता हूँ, प्लीज इस पे जोर डालिए। हाँ, उत्तर पूर्व में खाली इतना असर नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि छोटा राज्य है, छोटा इलाका है। सारे जो लोग वहां से हिंदू और सिख आते हैं, बोध आते हैं, उनको उत्तर पूर्व मत रखिए खाली। बड़े बाकी शहरों में, बाकी प्रांतों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू का दिल देखिए कितना बड़ा है। पिछले 70 साल से इतने रिफ्यूजी वहां पे आ रहे हैं, रोहिंग्यास भी वहां पे 10 स्टेट छोड़ के वहां पे बैठे हुए हैं वहां पे, और वहां पे आधार कार्ड लेके सब कुछ लेके बैठे हुए हैं वहां पे। वहां पे कोई किसी से नफरत नहीं करता। मैं आपसे उम्मीद करता हूं, प्लीज ऐसा प्रचार कीजिए, जन प्रचार कीजिए, हर हिंदुस्तान के हिस्से के अंदर उन रिफ्यूजियों को बुलाइए। उनकी हालत बहुत खराब है, उनकी हालत बहुत। आप अगर मेरे ट्विटर हैंडल पे जाइए, मेरा पिन ट्विटर है, मार्च के महीने में एक हिंदू परिवार की 2 लड़कियां 9 साल की और 11 साल की लड़की उठा के ले गए, और वो आदमी जेल के, और वो ट्वीट मेरे पास पाकिस्तान के पत्रकार का है, वो रो रहा है कि था मार दो मुझे, 9 साल और 11 साल की लड़की को उठा के ले गए, 2 दिन के बाद उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया, मुसलमान बन गए। ये कोई धर्म, ये कोई इंसानियत है? और जो लोग चुप है पार्लियामेंट के अंदर है वो गद्दार है, उनका कठोर दिल है। उनको बाद में सही कह रहा हूं मैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी कर रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ये हिम्मत दिखाई है, क्योंकि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों ने नरेंद्र मोदी को ये हक दिया है करने के लिए। बाकी लोगों को तकलीफ हो रही है। भारत हजारों साल पुरानी संस्कृति है। भारत 15 अगस्त को नहीं बना था, जो हमको 15 अगस्त को मिला 1947 को क्या मिला? टूटा फटा कटा पाकिस्तान, हिंदुस्तान मिला ना। लाहौर की सड़कों पर जो हिंदू और सिख औरतों के साथ जो नंगा नाच कराया गया वो किसी को पढ़ाया जाता है क्या वहाँ पे? नहीं पढ़ाया जाता है हमें यहाँ पे। तो इसलिए जो ये लोग बोल रहे हैं उनको पूछिए कि आपने जब इसका समर्थन किया भारत के विभाजन का, भारत का विभाजन ऑफिशियली सबको बोलता हूँ, आपको नहीं पढ़ाते हैं किताबों में, नहीं पढ़ाते हैं, पढ़िए आप कॉन्स्टिट्यूशनल बुक्स देखिए, भारत का विभाजन किस आधार पे हुआ था? इस आधार पे हुआ था, अंग्रेजी में शब्द है जिसको आप समझ लेंगे, हिंदूज एंड मुस्लिम हैव डिसाइडेड टू परस्यू देयर डेस्टिनीज सेपरेटली, यानी हिंदू और मुसलमान अपने अपने मुस्तकबिल को अलग अलग राह ढूंढेंगे। अगर ये हुआ था तो ये नेहरू एंड कांग्रेस ने क्यों दस्तखत किए उसके ऊपर? क्यों किया उसके ऊपर दस्तखत? क्यों क्यों है आपने विभाजन पे असहमति की? मैं तो चाहता हूँ कि उस वक्त अगर मना करते ना, हिंदुस्तान के अंदर अशफाक उल्लाह जैसे मुसलमान थे, वो लड़ते, सिविल वार होती, हम मरते, लेकिन जो हिंदुस्तानी पुख्ता होकर आता ना वो वाकई अच्छा हिंदुस्तानी होता। और ये मुसीबत हमारे बॉर्डर पे नहीं होती आज तक, जो पिछले 70 साल से हमको खाई जा रही है वहां पे। भाई ये बता रहा हूँ बार बार, विश्व भर में हिंदू और सिख जो है इस हजारों साल की संस्कृति की कंटिन्यूटी है, वो कहीं और नहीं जा सकते। कहां जाएंगे वो लोग दुनिया में अगर किसी के ऊपर जुल्म हो रहा था? यही तो आएंगे अफगानिस्तान में, सैकड़ों साल पुराने सिख है वहां पे, वो मुझसे ज्यादा सिखी जानते हैं, हिंदुस्तानी सिखों के ज्यादा सिखी जानते हैं, ठीक है? तो वो कहां जाएंगे उनके पास जुल्म हो रहा तो? वो यही आएंगे ना। लाहौर के ग्रंथी की बेटी, जब ननकाना साहब की ग्रंथी, ननकाना साहब के ग्रंथी को बेटी को उठा के ले जाते हैं, 2 दिन के बाद बोल रहे हैं इसने तो इस्लाम कबूल कर लिया, वो उसका बाप कहां जाएगा? पाकिस्तान के अंदर पूरे 70 साल में एक सिख पुलिस ऑफिसर बना था लाहौर के अंदर, उसकी क्या दुर्गति की थी उसकी, वो अगर आप वो वीडियो देखेंगे ना, खून खोलता है। वो उनकी सिपाही, उनका पुलिस ऑफिसर बना था, कैसे उसकी पगड़ी उछाली उन्होंने? कोई यहाँ पे चुप? रोहिंग्यास के लिए इनका दिल धड़कता है, हमस फलस्तीनियों की जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है हमस, उनके ऊपर जो इसराइल जब बम फेंकता है तो जंतर मंतर में लेओयो मोमबत्तियां लेके चलते हैं, लेकिन सिखों और हिंदुओं के ऊपर दुनिया भर में कहीं पे भी शोषण हो रहा है, इनकी इतनी अंतरात्मा मरी होता है। बाहर के तो छोड़ो, मैं तो बार बार कहता हूँ, कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, कश्मीर में सिखों का नरसंहार हुआ, कहां इनकी अंतरात्मा कभी निकले यहाँ पर जंतर मंतर पे? नहीं। जो लोग अभी इसका विरोध कर रहे हैं ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। यहाँ पे आज जो पार्लियामेंट में हुआ, पाकिस्तान के सरकार ने स्टेटमेंट दिया है, कैन यू इमेजिन, पाकिस्तान कहता है कि ये कानून गलत है। अरे तो अरे तुम तो आतंकवादी देश हो, तुमने हिंदू और सिखों का नरसंहार वहां किया, वो टिप्पणी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में हमारे यहाँ बैठे हुए जो लोग इसके ऊपर टिप्पणी कर रहे, उससे उनको हौसला अफजाई मिलती है, उनके हमारे दुश्मन को हौसला अफजाई।